हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 47 यानी कि 47 लेकर आई हूँ। और बच्चों, वर्कशीट की हेडिंग है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है बच्चों, और इसकी रिवीजन चल रही है, आपकी पुनरावृत्ति वर्कशीट आई है ये। ठीक है, तो इसमें लिखा है बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने सूरदास के पद पाठ की पुनरावृत्ति की थी, इसी तरह इस कार्य पत्रक के द्वारा आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ की पुनरावृत्ति कर सकेंगे। तो चलिए अब पाठ के अभ्यास कार्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपकी वर्कशीट बहुत आसान से आई है बच्चों। चलो इसके क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो आंसर है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने तर्क देते हुए कहा कि हमने बचपन में ही बहुत धनुष तोड़े हैं, इनको तोड़ने पर आपको क्रोध क्यों आया? क्या आपकी इस धनुष के प्रति अधिक ममता थी? हमारी दृष्टि में तो ये सारे धनुष समान हैं। और दूसरा, यह धनुष अत्यधिक पुराना था जो श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया, भला इसमें श्री राम का क्या दोष? प्रश्न नंबर 2 है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रियाएँ हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि श्री राम स्वभाव के अत्यंत सरल, शांत एवं गंभीर थे। इतना ही नहीं, श्री राम ने अपनी मधुर वाणी से लक्ष्मण को चुप रहने के लिए कहा। दूसरी ओर लक्ष्मण उग्र स्वभाव के थे, उन्होंने अपने कटु वाक्यों से परशुराम के क्रोध को भड़का दिया। प्रश्न नंबर 3 है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। आंसर है, परशुराम, शिवजी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? राम, हे नाथ, इस शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला अवश्य ही कोई आपका दास होगा। परशुराम, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, किंतु जो सेवक शत्रु के समान व्यवहार करे उससे तो लड़ना पड़ेगा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए दुश्मन है और तुरंत सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है, भाव स्पष्ट, इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इस पर लक्ष्मण हंसकर और थोड़े प्यार से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप एक महान योद्धा हैं, लेकिन मुझे बार बार आप ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे कि आप किसी पहाड़ को फूंक मार कर उड़ा देना चाहते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण एक ओर तो परशुराम का गुस्सा बढ़ा रहे हैं और शायद दूसरी ओर उनकी आंखों पर से पर्दा हटाना चाह रहे हैं। इसी का खा पाठ है बच्चों। क्वेश्चन आपको लिखा ही हुआ है, आंसर मैं बता देती हूँ। मैं कोई कुम्हड़े की बत्तियाँ नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही कुमला जाती है। मैंने तो कोई भी बात ऐसी नहीं कही जिसमें अभिमान दिखता हो। फिर भी आप बिना बात के ही कुल्हाड़ी की तरह अपनी जुबान चला रहे हैं। इस चौपाई में लक्ष्मण ने कटाक्ष का प्रयोग करते हुए परशुराम को यह बताने की कोशिश की है कि वे लक्ष्मण को कमज़ोर समझने की गलती नहीं करें। अब बच्चों, इसका आखिरी क्वेश्चन है गतिविधि, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, गलती से छप गया है। दूसरों की क्षमता को कम नहीं समझना चाहिए, इस शीर्षक पर अपना कोई अनुभव लिखिए अथवा कल्पना कर एक कहानी लिखिए। तो इसका आंसर है बच्चों, वन में बरगद का एक घना पेड़ था, उसकी छाया में मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। उस पेड़ पर एक कबूतर रहता था, वह अक्सर मधुमक्खियों को नीचा, हीन और तुच्छ प्राणी समझकर सदा उनकी उपेक्षा किया करता था। उसकी बात से एक मधुमक्खी तो रोनी सी सूरत बना लेती थी और कबूतर से जान बचाती फिरती। वह मधुमक्खियों को बेकार ही प्राणी मानता था। वह मधुमक्खियों को बेकार का प्राणी मानता था। एक दिन एक शिकारी दोपहर में उसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। पेड़ पर बैठे कबूतर को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह धनुष बाण उठाकर कबूतर पर निशाना लगाकर बाण चलाने ही वाला था कि एक मधुमक्खी ने उसकी बाजू पर डंक मार दिया। शिकारी की तीर कबूतर के पास से दूर निकल गया। उसने बाजू पकड़कर
बैठे शिकारी को देखकर बाकी का अनुमान लगा लिया। उस मधुमक्खी के छत्ते में लौटते ही उसने सबसे पहले सारी मधुमक्खियों से क्षमा मांगी और भविष्य में किसी की क्षमता को कम ना समझने की कसम खाई। अब कबूतर उन मधुमक्खियों का मित्र बन चुका था। तो ये थे बच्चों इस वर्कशीट के 5 क्वेश्चन। आज की वर्कशीट में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।